नमस्कार आप सभी को। मैं अपने कुछ प्ले से आपको छोटे छोटे अंश दिखाती हूँ, शायद वो मुझे आपको ड्रामा सिखाने में मदद कर दे। तो शुरुआत करते हैं तमाशा से, जिसमें मैंने एक नटी का किरदार निभाया था। घुंघरू बजते हैं बजने दो, ये दुनिया ही कुछ ऐसी है। सुने कौन यहाँ घुंघरू के बोल? हाँ भाई, सुने कौन यहाँ घुंघरू के बोल? इंसान की बोली लगती है, इंसान की बोली लगती है। सुन प्यारे, है मुँह के छह दिन से दो रोटी जुटाना मुश्किल है। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। जी हाँ, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। कलाकार ही भूखे मरते हैं, कलाकार ही भूखे मरते हैं। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती एक सुप्रसिद्ध कवि थी, अब जिसमें मैंने सुभद्रा का किरदार निभाया था। नमस्कार, ये घटना सन 1757 की है, भारत की स्वतंत्र होने की पहली कोशिश, एक ऐसी क्रांति जिसमें हम सफल नहीं हो पाए हमारी अपनी बगावत में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। इसका उत्तर है मेरा परिवार, मेरे दादाजी के साथ की गई नाइंसाफी। मेरे दादाजी महिपाल सिंह एक प्रतिष्ठित राजपूत, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी घृणा थी। इसलिए जब कुछ अंग्रेज उनसे पनाह मांगने आए, तब उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। मेरे दादाजी के मुंह से ऐसे कड़े शब्द सुनने के बाद उन अंग्रेजों की तो जान ही निकल गई। वो दर दर घर घर यहाँ वहां आश्रय मांग रहे थे और कुछ लोगों ने दे भी थी। इस कारण हमारा देश आजाद नहीं हो पाया। फिर वो अंग्रेज वापिस आए, उन्होंने मुझे और मेरे पूरे परिवार को देश निकाला किया। उसके बाद हम इलाहाबाद आ बसे। उस गांव की मिट्टी से प्यार और जागीरदारी खोने की घटना के बाद दादाजी अपने आप को सह ना सके और उनकी मृत्यु हो गई। नुक्कड़ नाटक, ये हम लोगों ने एक सोशल कॉज के लिए किया था, जिसमें हमने स्टेट अवार्ड भी जीता। आओ 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 आओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, मामा आओ, मम्मी आओ, चाचा चाची तुम भी आओ, सब आओ सब आओ। नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे भाई, नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे भाई, सब कहते हैं सब चलता है, सब कहते हैं सब चलता है, यहाँ कचरा फेंकना चलता है, सूखा गीला एक साथ वो भी चलता है। अरे आइए आइए कचरे वालों, अरे जरा जबान संभाल कर बोलो। ठीक क्या बोला मैंने? जो सुना देखा नापा तोला वही तो बोल रही हूँ। जो दूध देता है दूध वाला, जो चाय पिलाता है बताइए, और जो कचरा फैलाता है। Okay.
करता हूँ। चलो चलो बकवास बंद, 500 रुपए जुर्माना भरो। ये लो 1000 रुपए इन एडवांस। ये तो वो सफर है जो मैं आज तक तय की, लेकिन इसकी बैक स्टोरी मैं आज आप सबको बताने आई। मैं अपने क्लासमेट्स द्वारा कभी एक्सेप्ट नहीं की गई थी जैसे करने चाहिए थी। मुझे ढेरों नाम से बुलाया गया, मैं मोटी हूँ, अच्छी नहीं दिखती, मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब मेरा क्लास में परफॉर्मेंस बेहतर चला गया, मैं क्लास के एक कोने में बैठकर रोती थी कि व्हाई मी, क्योंकि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसके बजाय मेरे पेरेंट्स को बुलाकर उनके सामने मेरी इंसल्ट की गई, उन्हें मेरी कंप्लेन की गई। एक दिन ऐसा आया मानो मेरी आंखों से आंसू सूख चुके थे। मैं अपने आप को ढेरों नाम से संभाली, आई एम नो वन, इनफैक्ट आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग। लेकिन तब मेरे अंदर से एक आवाज बोली कि क्या ये जरूरी है कि कोई आए और मुझे मोटिवेट करे। दोस्त का कोई आकार हो ये जरूरी है? मैं अपने दोस्त को छू सकूं, उससे बात कर सकूं, क्या ये जरूरी है? नहीं ना। तभी मैंने सोचा मैं एक ऐसे सफर पे निकलूंगी जहां पर लोग मुझे मेरे लिए पहचाने फॉर व्हाट आई एम। और इसी सफर में मेरी मुलाकात हुई एक रंगमंच से, एक ऐसा रंगमंच जो आज मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट नहीं, क्योंकि वहां पर मैं अपने को खुलकर एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कोई मुझे जज नहीं करता, मैं अपना कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे कर सकती हूँ, कोई मुझे क्रिटिसाइज नहीं करता। और शायद यही चीज स्कूल में नहीं हो पाई। मैंने अपने सफर से एक जरूरी चीज सीखी, मेरा सफर इतना लंबा नहीं लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। वो चीज जो मैंने सीखी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी जब एक तरफ से अंधेरा आ रहा हो अपना रुख मोड़ लो, दूसरी तरफ जरूर उजाला मिलेगा। क्योंकि रामा ने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया था। रामा सिर्फ नाटक नौटंकी का नाम नहीं, बल्कि हमें हमारे शरीर के हर एक हिस्से से मिलाने का मौका देती है, उसे हेल्दी रखने का मौका देती है। अगर मैं कहूं कि अगले 10 मिनट में आप नाटक करना सीख सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन बदलना सीख सकते हैं, तो क्या आप तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के नाम 3 पार्ट्स होते हैं, हमारी वॉइस, फिर हमारा बॉडी और फिर हमारा माइंड। सबसे पहले वॉइस, हम जैसे बोलते हैं, वॉइस के भी 4 क्वालिटीज होते हैं, ऑडिबिलिटी, क्लैरिटी, डेप्थ एंड प्रोजेक्शन। सबसे पहले ऑडिबिलिटी, हम जो बोल रहे हैं वो आखिर के लोगों को भी सुनाई देना चाहिए। आर वॉइस शुड रीच टू द लास्ट पर्सन सिटिंग इन द रूम, क्योंकि जो आखिर में बैठे उन्हें भी हमें सुनने का हक है। So our voice should reach the last person sitting in the room, as I believe I'm audible. उसके बाद clarity, हम जो बोले सुनाई तो दे रहा है, लेकिन अगर समझ ही नहीं आएगा तो फायदा क्या? So our voice should be crystal clear. उसके बाद depth, हम जो बोल रहे हैं उसे feel करना है। अगर वो seriousness है, feel the seriousness. अगर वो happiness है, feel the happiness. And last, प्रोजेक्शन, आप जो मुझे सुनाई दे रहा है समझ भी आ रहा है, लेकिन अगर आप उसमें एनर्जी ही नहीं डालेंगे तो फायदा क्या? सो ऑडिबिलिटी, क्लैरिटी, डेप्थ एंड प्रोजेक्शन। उसके बाद बॉडी की बारी, हम कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, हमारे बॉडी के हर एक हाव भाव से हम ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, उनके दिलों तक कनेक्ट करते हैं। फॉर द कम्युनिकेशन लुक्स टू वेज, जब हम कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिवली हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। अगर आपका बैक बेंड है, शोल्डर्स बेंड है, शोज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। बट अगर आप एकदम सीधे खड़े हैं, नाक ऊपर, चिन ऊपर, विच शोज यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड यू आर रेडी टू फेस व्हाटएवर कम्स। सो दिस इज योर बॉडी पोस्चर विच शुड ऑलवेज बी देयर। चलिए हम एक गेम के साथ सीखते हैं तो और आसान होगा। हम एक डायलॉग बोलेंगे 2 तरीकों में, सो वी विल अंडरस्टैंड बॉडी कैसे मोड़ लेता है। आप पहले सुन लीजिए, फिर हम रिपीट करते हैं।
उर्दू बाजार जाइए, जमा मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए। ठीक है, अब हम ये हंसते हुए बोलेंगे। चलिए हंसना शुरू कीजिए सब लोग। उर्दू बाजार जाइए, जमा मस्जिद के चौक जाइए, जमा मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए। वहाँ बहुत जगह है आपके रहने के लिए। अब हम यही डायलॉग सैडनेस में बोलेंगे। उर्दू बाजार जाइए, जमा मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, वहाँ बहुत जगह है आपके रहने के। चलिए, ये था हमारे वॉइस और हमारे बॉडी का सेक्शन। एंड नेक्स्ट हमारा माइंड। कभी कभी होता है, क्योंकि एक्टर जो होता है वो अपने डायलॉग्स को ना याद करता है, वो अपने डायलॉग्स भूल जाता है, लेकिन उसे घबराना नहीं, उसे अपनी स्पॉन्टेनिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके, मतलब कुछ भी करके, ही हैज टू सी कि ऑडियंस ये ना देखे या ये ना समझ पाए कि वो अपना डायलॉग भूल गया, क्योंकि भाई वही कलाकार होता है। जब तक डायलॉग याद रखे, अगर भूल जाए तो कवर अप कर सकते। तो चलिए ये भी गेम के साथ खेलते हैं। मैं जितने ही एक्सप्रेशन, जितने एनर्जी के साथ यस बोलूंगी, उतने ही एनर्जी और उतने एक्सप्रेशन के साथ आप नो बोलेंगे। यस, नो, नो, यस, नो, यस, 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 नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस, 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 नो। चलिए देखिए कैसे खेल खेल में हम सब कलाकार बन गए। अरे एक चीज तो बता नहीं, मैं भूल गई, चाहे फिर वो कलाकार हो या रेगुलर आदमी, आम आदमी, दोनों भी याद रखनी चाहिए। हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो सिर्फ हमारे कलीग्स या हमारे कोवर्कर्स नहीं होते, वो आपकी टीम होती है, वो आपकी फैमिली होती है, जिन्हें आप इल्ट्रीट नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम टू। अगर एक जीतता है तो सब जीतते हैं, एक हारता है तो सब हारते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं थिएटर से सीखी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, जो आजकल की दुनिया में इतना दिखाई नहीं देता। एंड नेक्स्ट इज, जब एक हारता है तो हम सब उदास होते हैं, लेकिन एक जीतता है तो वी सेलिब्रेट, क्या अरे वाह देखो जीते, सेलिब्रेट करना चाहिए। बट वी ऑलवेज फॉरगेट कि व्हेन वी लूज वी शुड सेलिब्रेट दैट टू, बिकॉज़ वी नेवर फेल, वी विन और वी लर्न। मेरे गुरु कहते हैं जीवन ऐसा जियो कि अभिनय कर रहे हो, जीवन ऐसा जियो कि अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसा करो कि जीवन जीवन।